आप सभी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं या फिर आप भारत के एक आम नागरिक हैं तो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि ये जो सर्टिफिकेट है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है, 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। तो बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको सर्च करना है myGOV.in। जैसे ही इसको लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे myGOV.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो myGOV.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये इस प्रकार से स्क्रॉल होता रहेगा तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे ही फिर से ये 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाला ऑप्शन आप लोगों को आपके स्क्रीन पर देखने को मिलता है तो आपको उस पर टैप कर देना है। ठीक है, थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं तो देख सकते हैं फिर से ये ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है, इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फिर से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है रजिस्टर नाउ, तो आपको इस रजिस्टर नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं फिर से एक नया पेज खुल के आ चुका है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टोटल अटेंडेंस यानी कि जो ये सेलिब्रेशन है कितने लोगों के बीच कराया जा रहा है तो आपको अपना यहाँ पर संख्या डाल देना है, 10 लोग, 5 लोग, जितने भी लोगों के साथ आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पर आप लोग को डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये ऑप्शनल है, आप इसमें भर सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। चलिए सारा कुछ फिल करके आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, टोटल पार्टिसिपेट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देख सकते हैं हमारे सामने ये OTP आ चुका है, तो चलिए हम इसको इंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है, OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेसन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी कि अब आपका सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सर्टिफिकेट पर आपका नाम यहाँ पर शो हो जा रहा है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आसानी से डाउनलोड हो चुका है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग अपना सर्टिफिकेट आसानी से 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का सर्टिफिकेट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।